9 जून की तारीख काफी ऐतिहासिक होने वाली है। उस पिक के पीछे की वजह यह है कि ऐसा दूसरी बार होगा आजाद भारत में जब कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता का शपथ लेगी। आपको बता दें कि 9 जून 7:15 यानी कि शाम का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री बतौर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और इसे लेकर अब एनडीए की तरफ से जो है तमाम तरीके से तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर स्थान राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, आसमान तक शान से लहराता तिरंगा और मोदी की तीसरी बार ताजपोशी का सर्टिफिकेट, यह कोई संयोग नहीं बल्कि परिणाम है मोदी के 10 सालों के अथक प्रयासों का, जिसके प्रतिफल में उनके हाथ में आया है फिर एक बार शपथ लेने का न्योता जो उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। मोदी आइए तीसरी बार सरकार बनाइए। एनडीए की मीटिंग हुई थी, एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है। संविधान को साक्षी मानकर मोदी एक बार फिर आ रहे हैं, तीसरी बार उनकी ताजपोशी है। 9 जून का वक्त तय हो चुका है। देश में जब रविवार को सूरज ढलेगा तो उसी शाम हिंदुस्तान में मोदी 3.0 का सूरज उगेगा। शपथ की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। जल्द ही मोदी अपनी अगली पारी शुरू करेंगे, इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति ने न्योता दे दिया। इससे पहले एनडीए के 23 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर शाम को मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। गाड़ियों के काफिलों के साथ जैसे ही मोदी की एंट्री हुई, इस दौरान महामहिम ने मोदी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण पत्र दे दिया, साथ ही मिष्ठी दही खिलाकर नई शुरुआत के लिए बधाई दी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में फोकस कहां रहेगा ये भी बता दिया। तो एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। 10 सालों में मोदी ने जो ट्रेलर दिखाया उससे भी बड़े बड़े कामों की आगे बड़ी पिक्चर दिखाने वाले हैं, जिसका संकेत खुद मोदी ने दिया। लेकिन इसके पीछे रहेगी उनकी पूरी टीम, खासकर एनडीए के वो किंग मेकर नेता जिनमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सबसे ऊपर हैं। नायडू और नीतीश मोदी की ये केमिस्ट्री भी बहुत गजब है। जब पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग चल रही थी तो नायडू के साथ मोदी बात करते करते खूब ठहाके लगाते नजर आए। मोदी का सब नेताओं के साथ बढ़िया तालमेल दिखा। ये 3 खास तस्वीरें आप देखिए, जिनमें नीतीश कुमार तो एक बार की लगा कि वो मोदी के पैर छूने जा रहे हैं, हालांकि मोदी ने उन्हें रोक लिया। इस बीच योगी की पीठ थपथपाई और विरोधियों को इशारों इशारों में ही तगड़ा जवाब दे दिया, तो चिराग पासवान को गले लगाकर बता दिया कि क्यों वो उनके हनुमान कहलाते हैं। नीतीश ने तो उस वक्त पूरी महफिल लूट ली जब वो मोदी को तुरंत शपथ दिलवाने की मांग कर बैठे। लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे
देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। एनडीए एकजुट है, मजबूत है, मोदी के नेतृत्व में स्थिर सरकार चलाने को बेताब भी, लेकिन सरकार का प्रारूप क्या होगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, क्या फॉर्मूला होगा, इसको लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई, जिसमें अमित शाह और नड्डा ने एनडीए के नेताओं से अलग अलग मुलाकात की। जेडीयू और टीडीपी के नेताओं से लेकर चिराग और जयंत चौधरी से भी अलग अलग बैठक की। कहा जा रहा है कि बैठक में कैबिनेट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अब वक्त कम बचा है। ऐसे में मोदी ने गठित होने जा रही 18वीं लोकसभा को भी कुछ कर गुजरने वाला पड़ाव बताया और युवा शक्ति के दम पर इसका मतलब भी समझा दिया। 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है, एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीन एज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। मोदी का टारगेट फिक्स है, बड़े काम तो वो करके रहेंगे, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश विपक्ष ने खूब की, मगर वो चुनाव में भी कामयाब नहीं हो पाए। पर उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलने की खुशी में वो इस बार ईवीएम को दोष देना मानो भूल गए। तभी तो मोदी ने इंडी को जमकर लताड़ लगाई और कांग्रेस के नैरेटिव की भी पोल खोल कर रख दी। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर नारा शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ू तो इन तीन चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। एनडी को ललकार और एनडीए को दुलार कर मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। 2029 तक मजबूती से काम करेंगे और उसके बाद भी जीत का दावा तो हो ही रहा है, मतलब अपने लक्ष्यों की ओर टीम मोदी बढ़ती जा रही है। फॉर्मेट अलग हो सकता है मगर टारगेट वही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।